सागर में दोपहर को ग्राम बांधी मोहार जिला सतना निवासी मुनेंद्र सिंह विसेन कंट्रोल रूम आए और उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी कल रात में विध्यांचल एक्सप्रेस से जाते हुए सागर स्टेशन पर उतर गए हैं। मेरी आंख लग गई थी, पिताजी का इलाज करवाकर हम लोग भोपाल से सतना जा रहे थे। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना, कुशल कारीगरी, सोने चांदी के विक्रेता, मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर। काफी ढूंढने के बाद भी जब वह नहीं मिले तो सीसीटीवी कैमरे की मदद से सोशल मीडिया में वायरल करके और विभिन्न शहरी थानों को चिता कर डायल 100 FIR भी की। वाहनों को लगातार खोजबीन शुरू की गई। सबसे पहले बहेरिया में देखे, फिर पता लगा ग्राम बड़कुआ थाना बहेरिया निवासी सौरभ कुमार रहरवान ने 108 वहां से दिल्ली अस्पताल में भर्ती करवाया था। वह वहां से भी रात्रि को चले गए थे। अस्पताल के बाहर लगे कैमरे में सर्च करने पर रात्रि में 12:45 पर रोड पर आकर नंगे पांव आधे वस्त्र पहने हुए चेतन अस्पताल की तरफ जा रहे हैं। वहां से सुबह 4:45 पर दादाजी संजय ड्राइव रोड से धर्मश्री जाते हुए देखे। यहां से स्मार्ट सिटी में रवि से संपर्क कर रवि की मदद से धर्मश्री के रोड पर लगे कैमरे को चेक किया गया, जहां से धर्मश्री जाते हुए दिखे। वहां पर गोपालगंज के मोबाइल और मोतीनगर की डायल 100 को भेजकर पता लगवाया गया। तो जानकारी मिली कि सुबह 8 तक ही घूम रहे थे। फिर पता लगा कि राजघाट की तरफ कच्चे रास्तों से होकर निकल गए, क्योंकि मानसिक रूप से कमजोर हैं तो पब्लिक से थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं। इसी आधार पर सभी जगह उन्हें सोशल मीडिया में फोटो मोबाइल नंबर सहित वायरल की गई, जिससे सूचना मिलती गई और शाम को स्मार्ट सिटी के सामने उनके बैठे होने की सूचना जैसे ही मिली तत्काल पुलिस को भेजकर कंट्रोल रूम बुलाकर परिवार को सुपुर्द किया गया। परिवार वालों ने बहुत ही खुशी जाहिर करते हुए सभी का धन्यवाद किया। वह खुशी खुशी अपने पिताजी को पुलिस कंट्रोल रूम से ले गए। उपरोक्त कार्य में प्रभारी कंट्रोल रूम सागर RKS चौहान, महिला आरक्षक रेखा रक्षक हीरा प्रजापति, आशीष दुबे थाना गोपालगंज से आरक्षक पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर, आरक्षक कैलाश प्रसाद स्मार्ट सिटी से रवि सोनी, कुलदीप रजक, प्रमोद चौधार की अहम भूमिका रही। एक्चुअली ये 25 तारीख की शाम को विंध्याचल एक्सप्रेस पर अपने बेटे और अपने उनके भाई के साथ अपने घर सतना जा रहे थे। सतना के रहने वाले हैं। स्टेशन सागर में थोड़ा सा सो जाने से ना इनको जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिला नहीं ट्रेन से उतर गई, थोड़े से मानसिक रूप से कमजोर हैं। उतरने के बाद उनको तुरंत पता भी चल गया कि सागर में उतर रहे हैं। उन्होंने तो रात भर ना पूरी रात वहाँ ढूंढते रहे, सुबह दिन में भी ढूंढते रहे। दोपहर के बाद ही मेरे पास यहाँ कंट्रोल में आए थे। काफ़ी घबरा हुए, परेशान थे। उन्होंने फोटो मुझे दिया तो फोटो लेकर पूरी जो घटनाक्रम मिलता था उन्होंने सोशल मीडिया में वायरल किया। वायरल करने के बाद में 2 CCTV में देखते रहे लगातार। तो रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर दिखे, वहाँ से ये कैन तरफ जाते हुए दिखे। वहाँ सारे क्षेत्र जो था डायल 100 और हमारे चीता मोबाइल जो शहर में चलते हैं उनसे पूरा सर्च कराया, तभी कहीं मिले। सोशल मीडिया में जो वायरल किया था उससे एक छोटा सा फ़ायदा हमें आज सुबह छोटी सी लीड मिली कि बहेरिया के रहने वाले ये सौरभ इनको इनके गांव पहुंच गए थे बहेरिया में। इन्होंने क्या करा था कि कल शाम को 28 अस्पताल में 108 से उन्होंने खुद जाकर इनको भर्ती कराया था। दिल्ली अस्पताल में जब पता चला तो फिर हमने वहाँ के कैमरे देखे, क्लिनिक का पूरा एक बेड वहाँ छमवाया कि कहीं वहाँ मिले नहीं। जब बाहर कैमरे देखे तो ये कल रात्रि में करीब 12:45 चेतन हॉस्पिटल की तरफ जाते हुए दिखे। वो एक लीड जो हमें मिली उसी से थोड़ा सा हम दिन भर आज काम करते रहे। मेरी पूरी टीम लगी रही इसमें, CCTV में काम कर रहे थे। चेतन हॉस्पिटल से फिर ये हमें जाते हुए दिखे धर्मश्री तरफ। धर्मश्री तरफ में फिर हमने मदद ली, वहाँ मेरे पुलिस के कैमरे नहीं थे। रवि है इंजीनियर स्मार्ट सिटी में, उन्होंने बहुत मदद की। फिर वहाँ से फिर पता चला कि बीडी कॉलोनी और उसके आगे चले गए, फिर ये राजघाट की तरफ खेतों में चले गए। फिर हमने गोपालगंज थाने की पुलिस की मदद ली। गोपालगंज से हमारे चीता मोबाइल में कैलाश और पुष्पेन इन दोनों को भेजा। 2-3 FIR भी लगाएं कि उस क्षेत्र में पता लगाओ। कैलाश पुष्पेन की मेहनत कोई सी काम आई, इनका थोड़ा सा लीड मिली कि फलानी जगह दिखे। फिर पता चला कि वहाँ से इनको वापस कर दिया था। दिन भर पता लगता रहा कि यहाँ तक आए थे और फाइनली ये शाम को स्मार्ट सिटी के सामने दिख गया, तो वहाँ से इनको लेते यहाँ पर आए और इनके परिवार को सौंप रहे हैं। ज़्यादा बता पानी में समर्थ है तो हमने तो पूरी उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वो हमें कभी मिल पाएगी, लेकिन सर ने हमें
चौहान सर ने हमें आश्वासन दिया कि नहीं कुछ भी हो हम उन्हें ढूंढ के आपको देंगे। और फिर सोशल मीडिया पे सर ने जो वायरल किया, अपनी जो टीम को इस केस के पीछे लगाया, और यहाँ की जो जन यहाँ की सागर की पुलिस का जो रूप हमने देखा, वो पहले हमने पुलिस का कभी रूप देखा नहीं, हमने कभी सोचा नहीं था कि पुलिस इतनी हेल्पफुल भी हो सकती है। तो हम अपने दिल से आभार व्यक्त करते हैं सागर पुलिस चौहान सर, स्पेशली चौहान सर और उनकी टीम का। और एक भाई साहब और हैं सौरभ बड़कुआ गांव के, उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की। वो मौसा जी को मिले, उनको वो हॉस्पिटल में लेके आए, फिर आज पूरा दिन हमारे साथ वो रहे। तो हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना, कुशल कारीगरी, हसमुख स्वागत, सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता, हार एवं चूड़ी, वेंदी, करधन, पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन, राशि रत्नों के विक्रेता, एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार, सागर।